আমি পঙ্কজ ঝা আর আজকে আমি কলকাতায় আছি বঙ্গাল যাত্রা মে आपका स्वागत है। आज हम हैं कोलकाता में। ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं है, पीछे हावड़ा ब्रिज आइकॉनिक फिगर, ये पहचान सिर्फ कोलकाता की ही नहीं है, बंगाल की भी है। और एक बात और भी है दिलचस्प कि ये हावड़ा ब्रिज अपने आप में बंगाल में सभी बड़े बदलावों का जीता जागता सबूत रहा है। इसने कांग्रेस की सरकार देखी, लेफ्ट की सरकार देखी, फिर अब ममता है और फिर अब एक मजबूत हो रही बीजेपी की भी। और एक दिलचस्प बात और भी है कि ये जो हावड़ा ब्रिज है ना, ये मेक इन इंडिया जो आजकल कहा जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, उसका पहला उदाहरण है देश में। उस समय दूसरा विश्व युद्ध था और ये था कि ये हावड़ा ब्रिज बनाना है यहाँ गंगा नदी पर, जिसको बंगाल में कोलकाता में हुगली नदी कहते हैं। तो जो स्टील है, जो एक खास किस्म की स्टील, वो टाटा की तरफ से दी गई थी, तो मेक इन इंडिया का पहला उदाहरण। तो हावड़ा ब्रिज से आज हम उस सफर की शुरुआत करेंगे, जानेंगे और समझेंगे कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों के मूड का, यहाँ की चीजें, और फिर ये जो लड़ाई हो चली है ममता दीदी और मोदी दादा के बीच की, उसकी परत दर परत खोलेंगे। हावड़ा में ये है जेटी नंबर 1, 2, 3, ये जो घाट हुए यहाँ से लोग इस तरीके से लॉन्च पे, जहाज पर बैठकर और फिर गंगा नदी के उस पार चले जाते हैं। और उस पार जो जगह है ना, वो है कोलकाता, और गंगा नदी के ठीक इस पार है हावड़ा। तो गंगा नदी एक तरीके से इन दोनों शहरों को जोड़ती है। आमतौर पर सवेरे और शाम के वक्त इस जगह पे तिल रखने भर की जगह नहीं होती, लेकिन अभी थोड़ी सी दोपहरी में भीड़ कम हो गई है, लोग हैं बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ। ये बताइए, ममता सरकार ने काम आप लोगों के लिए अच्छा किया? खराब भी नहीं बोल सकते। जो लोग हम लोग बेसिकली गाँव से है, ठीक है, तो गाँव का जो उन्नयन हुआ है, अगर बोलेंगे बहुत खराब हुआ है तो भी खराब होगा। मोदी पसंद कंट्रोल के लिए ठीक है। मोदी किसके लिए? सेंट्रल के लिए। सेंट्रल के लिए, अच्छा। आप कह रहे हैं डबल इंजन वाली बात नहीं होगी, दिल्ली में मोदी और यहाँ ममता वाली बात। हावड़ा ब्रिज के पास ही कोलकाता में फूलों का बाजार है। सूरज उगते ही यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। इस बाजार में हर तरह के फूल मिल जाते हैं। चुनावी मौसम में रजनीगंधा फूल की डिमांड बढ़ गई है। माहौल देखकर लगता है लोगों के बीच कोरोना का कोई डर नहीं है। फूल तो फूल है, मसला खुशबू का है। खुशबू मतलब माहौल, चुनावी माहौल बंगाल का, कोलकाता का। तो यही माहौल जानने हम फूल बाजार आ गए हैं, मल्लिक घाट फूल बाजार। और ये बताऊं आपको कि पूरे कोलकाता में, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद हो, किसी का जन्म हो, किसी का मरण हो, या कोई शादी विवाह हो, सबके लिए फूल यहीं से जाता है। यहाँ से टीएमसी के लोग भी फूल ले जाते हैं और बीजेपी वाले भी। उनके चुनावी मंचों पर जो फूल सस्ता है वो यहीं का होता है। आपका मन क्या कह रहा है, इस बार किसकी सरकार? अरे हमारी ममता दीदी की सरकार, ये बोलने नहीं पड़ेगी। हाँ, बंगाल में ममता दीदी दिल जीत लिया, लेकिन हम लोग का है मोदी जी। गांव के लिए, देश के लिए मोदी अच्छा है, और अभी जो सिचुएशन है इसमें मोदी जी का ही सब मुंह में, गांव-गांव में, बड़ा बड़ा में मोदी जी। लगता है दीदी है, रहेगा, अभी भी है, भविष्य में 10 साल तक, अभी तक 10 साल रहेगा। तो आपका नाम हुआ कमल सरकार, तो इस बार बंगाल में किसकी सरकार? दीदी का सरकार है। हावड़ा ब्रिज के फिल बाजार से निकले तो रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गया। ट्रेन गुजर रही थी तो रेलवे गुमटी बंद कर दी गई थी। थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ आने जाने वालों की भीड़ लग गई थी, लेकिन चर्चा तो हर तरफ बस यही है कि बंगाल में किसकी बनेगी सरकार। बंगाल के चुनाव में राइटर्स बिल्डिंग भी अब एक चुनावी मुद्दा है। बीजेपी का दावा है कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बनी
तो फिर वो यहीं से सरकार चलाएंगे। वैसे तो ममता बनर्जी ने ऐसा किया नहीं। साल 2013 तक आज़ादी के बाद से यही राइटर्स बिल्डिंग, लाल रंग की इमारत, जो कोलकाता ही नहीं बंगाल की भी पहचान है, सरकार यहीं से चलती रही। यहीं मुख्यमंत्री बैठते थे, उनके मंत्री भी बैठते थे, उनके आईएएस और आईपीएस अधिकारी भी बैठते थे। लेकिन ममता बनर्जी ने 2013 में यहाँ से सरकारी कामकाज शिफ्ट कर दिया नवन्ना की बिल्डिंग में। और ये राइटर्स बिल्डिंग अपने आप में एक सत्ता का केंद्र, सत्ता की पहचान है, और यहीं से बैठकर मुख्यमंत्री पूरे बंगाल में अपनी सरकार चलाते रहे। विक्टोरिया मेमोरियल से गुजरते हुए हमें ऐसे ही तांगे मिल गए, रंग बिरंगे। और ये मत समझिएगा कि किसी शादी विवाह के लिए सब सज धज कर तैयार हैं, बग्घियाँ हैं, बल्कि आम तौर पर जो विक्टोरिया मेमोरियल आते हैं ना, उनको घुमाने फिराने के लिए ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में हमारा दीदी जो है, हाँ, वही हमारा सब कुछ होना चाहिए, और क्या। दीदी मतलब बोले तो ममता जी। हाँ, कोलकाता आए और विक्टोरिया मेमोरियल ना आए, भला ये कैसे हो सकता है? इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया की याद में इसे बनाया गया था। ये तो बात गुजरे जमाने की है, लेकिन इन दिनों चर्चा विक्टोरिया मेमोरियल की किसी और बात को लेकर के है। इन दिनों बंगाल के चुनाव में बीजेपी के हर मंच से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, मोदी से लेकर योगी तक। योगी ने तो कहा जो जय श्री राम के नारे नहीं लगाएगा उसकी सत्ता चली जाएगी। पर अब जानते हैं कि बंगाल के चुनाव में जय श्री राम की एंट्री कहां से हुई? इस नारे की एंट्री हुई यहीं विक्टोरिया मेमोरियल से। तारीख भी मैं आपको बताता हूं, 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह थे उस दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद थे, ममता बनर्जी भी थी, हालांकि उससे पहले ममता ने नेताजी की याद में अलग से पद यात्रा निकाल ली थी, मैं भी उस वक्त वहीं था। लेकिन यहीं पर वो बात हुई जिसको लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि ममता को जय श्री राम के नारे से चिढ़ है, और उन्होंने इसके मुकाबले में जय सिया राम का नारा लेकर आ गई हैं। उनकी नज़र महिला वोटर पर भी है। बंगाल में इस हाथ वाले रिक्शे को टानो रिक्शा कहते हैं। करीब 133 साल पुराना इतिहास है। मैं इस पर बैठ नहीं रहा हूँ जैसा आमतौर पर लोग करते हैं, क्योंकि मैं जो परिश्रम है, मेहनत है, उसकी भी एक मर्यादा है, और बड़ा अमानवीय होता है कि मैं इसे खींच रहा हूँ, कोई इसे बैठा होता है, लेकिन मजबूरी में लोग इसे चलाते भी हैं। करीब 6000 के करीब ऐसे टानो रिक्शा होंगे यहाँ कोलकाता में। क्या कह रहा है आपका मन? अब जौन जैसा ढूलेगा वही तरफ हम लोग भी ढूल जाएंगे। ढूलने का मतलब सब लोग जिधर जाएंगे? हमारा कहने का मतलब कि आप जिधर कहिएगा हम नहीं कहेंगे। ना एक बात बोल रहे हैं कि 10 आदमी आपको तरफ में है, अगर कहेंगे कि हाँ इसमें मारो तो उसी में मारेंगे। कोलकाता में ये पीली टैक्सियाँ अब गिनती भर की रह गई, यानी गिनी चुनी। इनकी हालत कुछ ऐसी ही है जैसे बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की। चलिए आज जरा हम इस पीली टैक्सी की सवारी करते हैं और मूड भी जानते हैं कोलकाता का। एक दौर था जब कलकत्ता की सड़कों पर यही पीली टैक्सियां दिखती थी, पीले रंग की, और सब की सब एम्बेसडर, बड़ी ही शान की सवारी मानी जाती थी, कोलकाता की एक पहचान भी हुआ करती थी। लेकिन 2014 में हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी, जहां एम्बेसडर कारें बनती थी, वो बंद हो गई, और उसके बाद से इन टैक्सियों को परमिट मिलना भी बंद हो गया है। 15 साल तक ही ये सड़कों पर चल सकती हैं कोलकाता की। और हमें मिल गए उमेश कुमार। उमेश ये बताइए, कब से आप ये टैक्सी चला रहे हैं? मैं करीब टैक्सी चला रहा हूँ, करीब 10 साल हो गया हमारा गाड़ी टैक्सी चलाते हुए। तो ममता दीदी का कामकाज कैसा लगता है आपको? जी देखिए, काम का कैसा लगता है, काम तो ठीक ठाक है, और उसका बाद थोड़ा
सरकार चेंज भी होना चाहिए, क्योंकि एक सरकार इतना 10 साल हो गया और कुछ आएगा तो और ज़्यादा तरक्की होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। जी होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। ममता बनर्जी इस बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। अपने करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अब तक वो कोलकाता के भवानीपुर से विधायक चुनी जाती थी, तो हम भी ममता के इलाके की एक मशहूर चाय की दुकान पर पहुंच गए। बंगाल में आमतौर पर लोग चाय पीते नहीं, चाय खाते हैं। और यहाँ पे क्या खाते हैं, ऐसा क्यों होता है? बोलने का तरीका ही ऐसा ही आगा, चाय पिएंगे नहीं बोल के चाय खाते हैं हम लोग। आप क्या यहाँ चाय लेने? हम तो मालिक ही है दुकान का। क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो हड्डा हड्डी लड़ाई होगा। किसके किस में? दीदी का साथ दादा का लड़ाई होगा। चांस तो दीदी का ही ज़्यादा है, वह मोहम्मद से आएगा। माहौल तो ऐसा बना हुआ है कि जैसे बीजेपी बहुत सीट से जीतेगी, बट नहीं है, उल्टा है। क्योंकि अभी जैसे उल्टा है, मतलब लग रहा है कुछ माहौल कुछ है, और मतलब हवा किया जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी, बट इस बार फिर TMC ही निकलेगी आगे। कोलकाता की शान और पहचान एक ट्राम भी है, और हमारी मुलाकात एक दादा से हो रही है। हम बात करेंगे कि आखिर इसके सफ़र का क्या खास मायने हैं इसके, और फिर क्या चल रहा है कोलकाता में। मन क्या कह रहा है आपका? पता नहीं, अभी तो बहुत 50-50 लग रहा है। किसकी सरकार बनेगी? ममता दी का सरकार। मोदी फैक्टर नहीं चल रहा? नहीं, फैक्टर चलेगा नहीं, इधर दीदी का हवा चल रहा है, दीदी चलेगा। विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दंगा हिंसा यही सब हो रहा हुआ है ज्यादा। आप कह रहे हैं कि मोदी फैक्टर चल रहा है? जी, इस बार चलेगा मोदी मैजिक, मतलब डबल इंजन चलेगा। डबल इंजन चलेगा। इंडियन कॉफ़ी हाउस को ये दिन भी देखना पड़ा कि जब उसका नाम और उसकी चर्चा किसी और वजहों से हो गई जिसके लिए वो कभी जाना जाता नहीं रहा। यहाँ सत्यजीत रे, मन्ना डे जैसे लोग, कला संस्कृति साहित्य और संगीत से जुड़े बड़े बड़े नाम और शख्सियत यहाँ बैठते थे। कई बड़ी फिल्में बनाने का आइडिया इसी कॉफ़ी हाउस पर, कॉफ़ी एक कप कॉफ़ी पर बैठ कर बातचीत के दरमियान हुआ। यहीं पर किताबें लिखने का आइडिया आया, कई आंदोलन यहीं से शुरू हुए। और फिर इस दौर में वो दिन भी आया जब CPIML के लोगों ने इसी जगह बाहर में नो वोट पर BJP के पोस्टर लगाए, और उसके बाद BJP के बहुत सारे कार्यकर्ता यहां आकर के भगवे टी शर्ट में बैठ गए, तस्वीरें खिंचवाई, और फिर दोनों के बीच में आमने सामने की ठन गई। अब तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। ममता बनर्जी भी इस झगड़े में कूद पड़ी हैं, और वो कह रही हैं कि कॉफ़ी हाउस पर गुंडों ने कब्जा कर लिया। अब वो क्यों लड़ी, वो क्यों कूदी इस झमेले में? क्योंकि वो इसे बंगाली अस्मिता का प्रतीक बना रहे हैं, इंडियन कॉफ़ी हाउस को, और वो उनको सूट करता है, और इसीलिए वो फिर से एक बार बंगाली बनाम बाहरी की लड़ाई ममता ने इसी इंडियन कॉफ़ी हाउस के बहाने छेड़ दी है। यकीन मानिए, इस हावड़ा ब्रिज पर न जाने कितने ही फिल्मों की शूटिंग हुई होगी, हिंदी में, बांग्ला में और दूसरे क्षेत्रीय भाषाओं में भी, और आपने भी उनमें से कोई न कोई फिल्म ज़रूर देखी होगी। और यकीन मानिए, इस बार का ये बंगाल का चुनाव भी किसी फिल्म से कम तो नहीं है। इसमें एक्शन है, सस्पेंस है, थ्रिलर है, ड्रामा है, रोना है, धोना है, दर्द है, गीत है और संगीत। अब इस फिल्म का द एंड तो 2 मई को होगा, और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर फिल्म का असली हीरो कौन है। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए। आज के लिए बंगाल यात्रा में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर इसी समय आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।